बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। क्लास आज लेक्चर नंबर 18 में हम लेसन दे ट्रुथफुल की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो सब बच्चे अपनी अपनी बुक ओपन कर लें और बुक के पेज नंबर 19 पे आ जाएं, बुक के पेज नंबर 19 पे आ जाएं। तो स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 19 से। कंप्रिहेंशन स्किल, कंप्रिहेंशन स्किल, तो इसमें हमने फिल इन द ब्लैंक्स सबसे पहले करनी है। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह पूर करें विद एप्रोप्रिएट आंसर्स, मुनासिब जवाबात से खाली जगह पूर करें। सबसे पहले हम कंप्रिहेंशन करेंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स का टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह was traveling to, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कहां सफर कर रहे थे? अरेबिया, बगदाद या मक्का? वो बगदाद जा रहे थे, वो बगदाद जा रहे थे। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी was traveling to बगदाद, बी इसका जवाब है बगदाद। द कारवां वाज अटैक्ड बाय काफले पर हमला किया किसने? हाउंड्स शिकारी कुत्ते, टाइगर्स शेरों ने, या बैंड ऑफ रॉबर्स, डाकुओं के ग्रोह ने। तो काफले पे किसने हमला किया था? डाकुओं के ग्रोह ने। हमने लेसन में क्या पढ़ा? डाकुओं के ग्रोह ने काफले पे हमला किया था। सो इसका जवाब सी, बैंड ऑफ रॉबर्स। नंबर 3, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह वाज ए एन बॉय। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह एक लड़के थे, ज़हीन, इंटेलिजेंट, ज़हीन, काइंड, रहमदिल, क्लेवर, होशियार। वो एक ज़हीन लड़के थे। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह वाज एन इंटेलिजेंट बॉय। इसमें आपने आंसर क्या है? ए, इंटेलिजेंट। ए और उसके साथ जो फॉरवर्ड स्लैश दी हुई है उसे कट कर देना। ए और उसके साथ जो फॉरवर्ड स्लैश है उसे ऐसे लिखा हुआ है, उसने ऑप्शन दिया हुआ है कि आप अगर इंटेलिजेंट लिखते हैं तो उसके साथ एन यूज होगा, अगर काइंड या क्लेवर लिखते हैं तो उसके साथ ए यूज होगा, इसलिए उन्होंने ऑप्शन दी हुई है। आपने ए और फॉरवर्ड स्लैश को कट कर देना और आंसर में क्या लिखना है? इंटेलिजेंट। तो इस तरह क्या बन जाएगा? हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह वाज एन इंटेलिजेंट बॉय। नेक्स्ट है, हिज मदर हैड गिवन हिम डैश गोल्ड कॉइंस। उनकी वालदा ने उन्हें कितने सोने के सिक्के दिए? 40। सिंपल, हमने लेसन में क्या पढ़ा? 40। 10, 30, 40, 40, सी, आंसर सी। द चीफ ऑफ रॉबर्स लाइक्ड हिज, हमने लेसन में क्या पढ़ा कि डाकुओं का जो सरदार था वो किस चीज से मुतासर हुआ था? उनकी ट्रुथफुलनेस से, उनकी सच्चाई से। तो फर्स्ट ही उसका आंसर है ट्रुथफुलनेस, काइंडनेस, रहमदिली, सिंसियरिटी, उनके सिंसियर होने से, उनके एक बात को सिंसियरली करने से, ट्रुथफुलनेस, सच्चाई। तो इसका आंसर है ट्रुथफुलनेस नंबर ए। उसके बाद स्टूडेंट्स आगे आ जाएं, उसके नेक्स्ट टॉपिक है वोकैबुलरी, वर्ल्ड मीनिंग। मैच द वर्ल्ड इन कॉलम ए विद इट्स मीनिंग इन कॉलम बी। कॉलम ए में जो वर्ड्स हैं उन्हें कॉलम बी के जो वर्ड्स हैं उनके साथ मैच करें। सेंट वली, कारवां, काफला। हम पहले कॉलम ए पढ़ रहे हैं, सेंट वली, कारवां, काफला, लूटेड, लूट लिया, प्रीशियस, कीमती, प्रॉम्प्टली, फौरन, वी रोना। तो अब दूसरा कॉलम जो है उसके हम वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे। ए ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स, मुसाफरों का एक ग्रुप। शेड टीयर्स आंसू बहाना। क्विकली फॉरन, तेजी से। ए होली पर्सन, एक होली किसे कहते हैं? पार्क, होली पर्सन, एक पाक शख्स। वैल्यूएबल, काबिले कदर।
राब्ड लूट लिया, राब्ड लूट लिया। सेंट, सेंट किसे कहते हैं, किस चीज से मेड, किस वर्ड से इसे मैच करेंगे कॉलम बी में, सेंट ए होली पर्सन, सेंट वली, वली कौन होता है, होली पर्सन, सेंट ए होली पर्सन। कारवां, कारवां को किसे मैच करेंगे, ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स, ए ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स। लूटेड, रॉब्ड, लूटेड लूट लिया, रॉब्ड लूट लिया, लूटेड रॉब्ड। प्रीशियस, कीमती, वैल्यूएबल, काबिले कदर, कीमती, जिस कोई चीज जितनी कीमती होती है उतनी उसकी कदर ज्यादा होती है। प्रीशियस, वैल्यूएबल। प्रॉम्प्टली, क्विकली, प्रॉम्प्टली क्विकली, प्रॉम्प्टली क्विकली। वीप, रोना, शेड टीयर्स, आंसू बहाना, शेड टीयर्स, आंसू बहाना, शेड टीयर्स, आंसू बहाना। तो स्टूडेंट्स आपने ये फिल इन द ब्लैंक्स भी अटेम्प्ट करनी है और ये वोकैबुलरी लर्न भी करनी है और इसे अच्छी तरह मैच भी करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये आपका आज का टास्क है, आपका आज ये लेसन टू फुलनेस कंप्लीट हो चुका है। अल्लाह हाफिज़।